हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ओके, तो हम लोग लास्ट जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए उस सभी में लगभग हमने 18-19 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जिसमें टोटल हमारा करंट क्या हो गया है, कंप्लीट। ओके, एक दो छोटे छोटे पॉइंट जो बचे हुए हैं वो सब जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अधिकतर मैक्सिमम करंट का टॉपिक जो है, मैक्सिमम क्या, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ओके, तो आज मैं आपको एनसीईआरटी का टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे रहा हूँ, और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में कुछ कॉम्पिटिटिव, जैसे जेई में, नीट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे। ओके, तो आज हम लोग बनाते हैं किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ओके, तो आप देखो ध्यान से, चलो सब लोग एनसीईआरटी कॉलम। ओके, आप बुक लेकर, नोटबुक लेकर, आप भी पेन लेकर बैठ जाओ और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, देखो तो एक्सरसाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आप क्वेश्चन देखिए इधर, पहला क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि एक स्टोरेज ऑफ बैटरी ऑफ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ओके, ईएमएफ किसी बैटरी का, ईएमएफ कितना दिया हुआ है, देखो तो ईएमएफ किसी बैटरी का कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, वन। ओके, कितना है, वन। उसका कितना दिया हुआ है, ये गिवन डाटा क्या है इसका, गिवन डाटा देखो तो ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। इट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हम लोग सेल को पढ़, हम लोग सेल का लेक्चर बनाए हैं क्या, अगर आपने सेल का हमने एक लेक्चर भी, एक वीडियो बनाया है ओनली सेल पे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल करके हमारा वीडियो लेक्चर होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर वीडियो को देखिए, एक क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं आप। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है बट हम लोग बना ले रहे हैं। देखो तो कितना है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, 4 ओम। इफ टर्मिनल रेजिस्टेंस, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। देखो बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक, देखो ये एक हमारे पास एक सेल है। ओके, और कुछ भी कनेक्ट है क्या, इसका ईएमएफ कितना है, टोटल ईएमएफ दिया है कितना, 12 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.4 ओम। ओके, द मैक्सिमम, ऑब्वियसली इसमें देखो ध्यान से, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। जब हम लोग क्लोज करेंगे सर्किट को तो मैं, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसमें मैं क्या सॉल्व करूं, तो मैक्सिमम से आई मैक्स इज इक्वल टू कितना करंट होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, वी वाई आर, वी कितना दिया हुआ है, वी दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12, 0 पॉइंट कितना, 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो इसे बताओ, मैक्सिमम क्यों कहा है इसको, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्यों बोला गया, सॉल्व करने में कितना आएगा, 30 एम्पियर आएगा क्या, इसको मैक्सिमम क्यों कहा गया है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर ही रेजिस्टेंस है, कि बैटरी के अंदर ही रेजिस्टेंस है। अगर बाहर जब तक हम लोग अगर एक दो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, मान लो छोटा भी वैल्यू का जोड़ते हैं, ओके, तो इसके वजह से करंट क्या होगा, कम। तो अगर है ही नहीं सर्किट में, ओके, तो आप इसको नहीं हटा सकते हो, बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आप नहीं हटा सकते हो, बात समझे क्या। तो यानी कि इस सर्किट का मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस 0.4 ओम फिक्स है, उतना ही वो रहेगा ही, उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो जब ये मिनिमम वैल्यू फिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, बात समझे क्या। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर वन, ये हुआ क्वेश्चन नंबर वन। ओके, चलो नोट कर लो, नोट कर लिए सभी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ये है कि ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना, 10 वोल्ट,
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 3 ओम। देखो ध्यान से, एक ईएमएफ कितना गिवन क्या दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, ईएमएफ कितना दिया हुआ है, थोड़ा फटाफट फास्ट बनाते हैं सब आसान आसान क्वेश्चन, इसमें क्या टाइम ले हम लोग। कितना 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 ओम, कितना 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टर एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर इफ करेंट इन द सर्किट, इसके वजह से सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है क्या। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, आपको देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट। देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या किया जाए, देखो आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ ना, सबसे पहले आप ये फोकस करो कि सर उसका हम लोग सर्किट डायग्राम कैसे बना लें। अगर एक बार अच्छे से आपने सही सही सर्किट डायग्राम उसका बना लिया तो आप समझो कि 60-70% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप, बस 20% में 30% में आप वहीं उसका बस कैलकुलेशन बचेगा। ओके, अगर इसका हम लोग सर्किट डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना चाहें तो हमारे पास सर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एक हमने ईएमएफ, एक वोल्टेज जोड़ा है, एक हमने बैटरी जोड़ा है जिसका कि ईएमएफ कितना है, देखो तो ईएमएफ कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 ओम, चलो करंट कितना फ्लो हो रहा है, एक करंट हमें बता, करंट कितना हाफ 1/2 एम्पियर, कितना हाफ एम्पियर है ना, 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है गया। ये रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू बताना है पहला, दूसरा बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, यही है ना सेकंड बीट। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज यस ऑफ द बैटरी, ये बैटरी ये हुआ ना, इसका टर्मिनल ये हुआ, ये अंदर है, ये बाहर बैटरी के नहीं है, बैटरी पूरा हमारा ऐसे तरह क्लोज है, देखो इधर आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ये ऐसे पूरा अंदर है, ये पूरा हमारा बैटरी का सेटअप है, टर्मिनल ये हुआ ना, दोनों अंदर थोड़ी घुस जाओगे आप बैटरी के, आप बैटरी के अंदर थोड़ी घुस जाओगे, बैटरी के बाहर रहोगे ना, तो टर्मिनल पॉइंट यानी कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल का पोटेंशियल, अगर ए और बी मान लिया जाए तो हमें क्या बताना है, एक R का वैल्यू बताना है, R एंड वी ए बी, ए बी के बीच, वी ए बी के बीच क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। यस, बात समझ में आया क्या। तो हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़े हैं क्या, कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्या मैंने, चलो उस कॉन्सेप्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से बताओ ये कौन सा वैल्यू है, चार्जिंग कंडीशन है कि डिस्चार्जिंग कंडीशन, चलो बताओ कौन सा कंडीशन है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, बताए थे क्या कुछ, चलो देखो तो अब बनाना आसान है यार, इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो करंट हमें पता था, आपको मैंने बताया था करंट I इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन क्या R प्लस R, ये कितना एम्पियर, हाफ एम्पियर, ई एम एफ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है 10, चलो ये 10 दिया हुआ है, ये कितना, ये रेजिस्टेंस R कितना, सर ये तो हमें बताना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 3 ओम है क्या, हो गया यार, ये कितना R प्लस 3, ये कितना 20, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 17 ओम। बात समझ में आया कुछ, कितना आ गया 17 ओम। अब बताना है टर्मिनल, टर्मिनल्स ए फर्स्ट बिट हो गया, ओके आर का वैल्यू, सेकेंड वन वी ए बी का वैल्यू क्या होगा, अरे कुछ याद है क्या तुम्हें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए फॉर हमने क्या सिखाया था, देखो यहां पर रिवीजन कर देता हूं थोड़ा सा, फॉर चार्जिंग के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बताया था क्या हमने, ई एम एफ प्लस आई आर, किसके कंडीशन में, चार्जिंग के कंडीशन में, और डिस्चार्जिंग के कंडीशन में क्या बताया था हमने, याद है कुछ, डिस्चार्जिंग के कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बताया था अक्रॉस द टर्मिनल ईएमएफ माइनस आईआर, कुछ समझ में आ रहा है, तो अब पता चला कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नीचे वाला, ये समझे क्या, तो वी ए बी इज इक्वल टू ईएमएफ कितना, चलो बताओ ईएमएफ कितना है हमारा 10 वोल्ट माइनस करंट कितना है उसमें हाफ एम्पियर,
इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, कितना 3 ओम। तो देखो ये 10 माइनस 1.5, तो यानी कि कितना आ गया 8.5 वोल्ट। इसके मतलब कहने का ये हुआ, भले ही सर इस बैटरी में कितना इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, बट हम जब यूज कर रहे हैं ना सर इसके क्रॉस, तो एक्सटर्नल सोर्स को कितना सप्लाई कर रहा है 8.5 वोल्ट। ऐसा क्यों कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके वजह से उसके अंदर करंट क्या, उसके अंदर वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है, खुद में खत्म हो जा रहा है। कौन सा, ये IR, दिस वन, ये पोटेंशियल ड्रॉप कर जा रहा है इसके अंदर। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो अपना ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है चार्जिंग के केस में कैसा होता है, डिस्चार्जिंग के केस में कैसा होता है। बात कुछ समझ में आया क्या? चलो इसे नोट कर लो एक बार, आप लोग नोट करो इसे। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, ये इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला बिट ये है कि 3 रजिस्टर 1, 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द, अरे यार अभी क्या तुम लोग बनवाओगे हमसे, 3.3 का ये सॉल्यूशन, ए का कौन सा हो गया एक R इक्विवेलेंट, चलो फटाफट लिख लो। सीरीज में बताया था क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो इधर हमने क्या बताया था, फॉर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सिखाया था, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे कुछ समझाया गया था कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन है, जोड़ लो इसे। चलो बता दो, एक 1 ओम, एक 2 ओम, एक कितना 3 3 2 5 कितना 6 ओम का वैल्यू हुआ ये। ओके इसका बी बीट है, सेकेंड बिट क्वेश्चन ये है, बी कह रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ध्यान दो इधर, इफ दैट कॉम्बिनेशन, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो ध्यान से, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है किधर कनेक्ट हुआ है, इसके हम लोग 12 वोल्ट से कनेक्ट किए हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन में ना, EMF 12 वोल्ट, obtain the potential drop across, अरे यार ये तो क्वेश्चन हम लोग क्लास में पहले ही वीडियो में लेक्चर में कर चुके हैं। देखो तो ये 1 ओम, 2 ओम और ये कितना 3 ओम कह रहा है कि सबके क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, क्या हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज सिखाया है क्या, किस में कहाँ पे सिखाया है, ओम्स लॉ में हमने सिखाया होगा, ओम्स लॉ का जो वीडियो होगा ना उसमें जाके देखना, हमने आपको टेक्निक और सर्किट, और हम लोग सर्किट थ्योरी में भी हमने आपको सिखाया है कि 12 वोल्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चलो देखो टेक्निक एक बार फिर, यहाँ मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ओके एक बार मैं आपको फिर ये बता दे रहा हूँ, देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो तो हमने आपको बताया था ना क्या लिखेंगे, हमें पोटेंशियल ड्रॉप बताना है ना, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, बताया था क्या ट्रिक हमने, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, सिखाया था क्या कुछ, चलो तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3
इज इक्वल टू आर वन बता दो, 1:2 कितना 3। हमने क्या सिखाया था, हमें क्या बताना है, V1। चलो देखो तो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। V1 इज इक्वल टू टोटल कितना सप्लाई, 12 वोल्ट। देखो यहां पे ट्रिक समझ लो, कितना सप्लाई 12, किसके लिए बताना है, 1 के लिए। तो 1 अपॉन कितना टोटल, 3 5 कितना 6, ये कितना 6, ये कितना 2, कितना 2 वोल्ट। V2 कितना, देखो तो V2, ये V2 का रिलेशन कितना 2 से है ना, तो कितना 12 × 2/6। अरे सिखाया था कुछ, ये 2 से कैंसिल, कितना 4 वोल्ट। अब थर्ड तुम्हें पता चल गया ना, थर्ड वोल्ट हम लोग, हमने बताया था ना कि यही जो 12 वोल्ट है सर, यही डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, यहां आते आते क्या हो जाता है 0। आप समझो इसके क्रॉस कितना मिला, 2 मिला ना, ये इसके क्रॉस कितना मिला 4, कितना मिला 4। चलो बताओ अब इसके क्रॉस कितना मिलेगा, नहीं बता सकते हैं क्या, 12 माइनस क्या 2 + 4 = 6 हो गया ना, तो कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, ये कितना 6 वोल्ट। चलो जोड़ लो, ये आ गया 12, 2 और 4 = 6, 6 कितना होगा 12 कितना, आसान सर हमको ये फॉर्मूला नहीं पता है, ये तो टेक्निक पता है ना। और देखो और तरीका से बना लो, V3 इज इक्वल टू 12 × कितने के लिए बता रहे हैं, 3 के लिए। 3 के लिए कितना है रेजिस्टेंस का रेशियो, 3 / कितना 6, यहाँ 2 से कैंसिल, देखो 6 वोल्ट आया क्या, ये दोनों रिजल्ट मिलाओ, देखो 6 वोल्ट आया क्या, यस सर। काम का चीज था ना, उस समय मैं बताया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिखाया था मैंने वहाँ पे, ओके। अगर आप नहीं लेक्चर देखे हैं तो लेक्चर को थोड़ा देख लो, ओके। चलो इसे नोट कर लो, नोट कीजिए इसे, नोट कर लिए सभी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो कह रहा है कि 3 resistance 2, 4 and 5। अरे यार, यानी कि पहला बिट तो 1 / इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखो तीन रजिस्टर को हमने पैरेलल में जोड़ा है, ध्यान दो इधर, पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं ना, पैरेलल का क्या रूल है, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, सेम, और सभी से करेंट डिफरेंट भी फ्लो हो सकते हैं, सेम भी फ्लो हो सकते हैं, बात समझ में आया गया, बट सभी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम। चलो ये वैल्यू देखो कितना ओम कह रहा है, 2 ओम 4 ओम, ये कितना कह रहा है 5 ओम, व्हाट इज द टोटल। ओके सर ये तो आसान क्वेश्चन, खुद से बनाने में भी थोड़ा बहुत हम लोग शर्मा जाते हैं ये सब क्वेश्चन बनाने में। चलो देखो ये आसान क्वेश्चन है ना, 1 / R equivalent = 1 / R1 कितना 2 × 4 = 5, 2 + 1/4 + 1/5। चलो बता दो कॉम्बिनेशन कितना आएगा, LCM 5 का 10 15 20 तो पक्का आएगा ना, तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4, हुआ क्या 1 / R equivalent, तो R equivalent कितना आ गया 20/19 ओम। पता चला फर्स्ट का आंसर मिला क्या हमें, यस सर। अब देखो तो सेकेंड बिट क्वेश्चन का सेकेंड बिट ये है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस द 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड करेंट थ्रू इच रजिस्टर, ओके, एंड टोटल करेंट।
कह रहा है कि यहाँ पे कितना वोल्ट बोल रहा है जोड़ने के लिए, 20 वोल्ट। यहाँ पे हमने 20 वोल्ट जोड़ा तो बोल रहा है सेकेंड बिट में कि सबसे कितना करंट का फ्लो होगा। आप क्या ये सब क्वेश्चन बनाओगे यार? चलो देखो तो यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे कितना 20 20, सभी पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगा सेम, यहाँ भी कितना 20 वोल्ट, सभी तो एक ही साथ कनेक्ट है ना, सब 20 20 20 20, सब कितना 20, अगर ये 20 तो इधर कितना 0। अरे पता है थे कुछ, याद है तुम्हें, अगर ये बैटरी है, अगर बैटरी 20 वोल्ट का है तो मत सोच लेना कि ये प्लस 20 वोल्ट और ये माइनस 20 वोल्ट। अगर आप ऐसे सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो आप, ओके? ऐसा नहीं सोचना है। बात समझ में आया क्या? आप जाकर थोड़ा बेसिक सर्किट थ्योरी का वीडियो देख लो अगर आपको नहीं पता है तो, ये ओके? तो हमने सिखाया था ना कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, अगर 20 वोल्ट का हो तो ये अगर प्लस 20 तो ये कितना 0, इस तरह ये प्लस 20 तो ये कितना 0, तो इधर 0 0 0। अब चलो सभी में ये मान लिया जाए I1 I2 I3, सब में अलग अलग करंट फ्लो होगा ना, सभी से करंट बताना है हमें। चलो I1 बताओ, I = V/R1, V कितना, कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 20, R1 कितना है 2, अरे है ना 2, तो कितना एम्पियर 10 एम्पियर। चलो देखो I2 कितना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस V/R2, V कितना 20, R2 कितना 4, कितना आ गया 5 एम्पियर। अब क्या मैं आसान बताऊं तुम्हें, I3 V/R3, बात समझ में आया क्या? V कितना देखो तो 20/R3 कितना 5, कैंसिल करा लो कितना 4 एम्पियर। तो अब कह रहा है कि टोटल करंट बताओ कितना फ्लो होगा, क्या टोटल करंट, तो टोटल करंट का बात करें तो क्या लिखेंगे, I1 + I2 + I3, यानी कि क्या 10 + 5 + 4, यानी कि कितना 90 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। बात समझे क्या, कितना 19 एम्पियर का करंट फ्लो होगा सभी से। अरे समझ में आया कुछ? ओके चलो नोट कर लो इसे। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो। नोट कर लिए क्या सभी? देखो इधर, ओके क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ो थोड़ा, तो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव, एट रूम टेम्परेचर कितना रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज कितना 100 ओम। At T = given data कितना है, T = temperature कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे, रेजिस्टेंस कितना है, देखो तो रेजिस्टेंस कितना कह रहा है 100 ओम। अरे बात समझ में आया क्या, कितना 100 ओम। What is the temperature of the element if resistance is found to be, कह रहा है कि इस समय टेम्परेचर क्या होगा जब रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका
117 ओम हुआ, बात समझ में आया क्या? 117 ओम दिया हुआ है। टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, देखो अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 1.70 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर कैल पर सेल्सियस पर सेल्सियस। देखो ध्यान से, हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। देखो कुछ आपको रिवीजन करा दूं, पहले हम लोग पढ़े थे क्या इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट है, अगर हम लोग मेटल और कंडक्टर का बात करें, मेटल और कंडक्टर का बात करें तो सिखाया था हमने क्या कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे सिखाया था क्या हमने, क्यों बढ़ेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम के घटने के वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी बढ़ने के वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये सिखाया था क्या। सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए क्या सिखाया था कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, इसमें क्या बढ़ाए थे, ड्यू टू क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर विल बी इंक्रीजेज, याद आ रहा है टाउ का वैल्यू हम लोग लिखे थे, टाउ इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, एम एन ई स्क्वायर टाउ पढ़े, सॉरी रेजिस्टिविटी का पढ़े थे, रेजिस्टिविटी पढ़े थे क्या, तो बात समझ में आ रहा है क्या होता है, कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है हमारा, घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटने के वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, सिखाया था क्या हमने, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, समझे कुछ। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या सिखाया था, सेमीकंडक्टर के लिए कि टेम्परेचर बढ़ने से इसका क्या नाम है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रियल में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर आता है, क्या इलेक्ट्रॉन होल, तो चार्ज कैरियर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ जाता है, जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, जब घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी और रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, घटेंगे, कुछ याद आया क्या, पढ़ाया था क्या हमने। और अल्फा के बारे में और यहाँ पर क्या बताया गया था कि अल्फा का वैल्यू सर अगर पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से, किसका अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मेटल और कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव। अरे कुछ सिखाया था, कुछ रिवीजन हो रहा है करने से, ये सब ऐसे पीछे जो पढ़ाया था हमने रिवाइज हो रहा है ये सब। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो अब पता चल रहा है ना कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखो इधर, तो रेजिस्टेंस हमने क्या फार्मूला आपको बताया था कि रेजिस्टेंस आर वन इंटू क्या बताया था, 1 + α T1 - T2, कुछ सिखाया था क्या हमने, T2 - T1 सिखाया था क्या कुछ। अरे बात समझ में आ रहा है, ये हमने आपको सिखाया था लेक्चर में। चलो देखो ये फॉर्मूला बताया गया था तो हम लोग बना लेते हैं, R2 तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा T2। चलो R2 का वैल्यू 117 ओम, R1 का वैल्यू कितना 100 ओम, इंटू 1 + α का वैल्यू कितना 1.70 × 10⁻⁴ इंटू ये T2 - T1, T2 कितना सर यही तो हमें बताना है, -T1 कितना 27। देखो ध्यान दो, कभी एक क्वेश्चन बहुत आसान है, जब क्वेश्चन चेंज करना होता है ना कभी कभी इसे किस में दे देता है, कैल्विन में दे देता है, जब ये कैल्विन में दे देगा तो
तो टेम्परेचर को भी किस में रखना होगा, कैल्विन में, तो छोटा छोटा पॉइंट पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सर ये फॉर्मूला बताया है कुछ भी वैल्यू बस अल्फा देख लिए और पुट कर दिए, गलत हो जाएंगे। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ऐसा इसलिए हम पुट कर रहे हैं। बात समझ में, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कहाँ तुम गलत छोटा छोटा गलती कर सकते हो क्वेश्चन बनाते समय। ओके चलो देखो, तो हमें टी टू बताना था ना यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 117 अपॉन ये कितना 100, इधर आया तो ये -1, ये 1.70 इंटू 10 to the power माइनस क्या 4 इंटू क्या t2 -27। अरे हुआ क्या, माइनस किए तो ये कितना आ गया 17 अपॉन ये क्या 100 इंटू ये भी क्या आ गया नीचे 1.7 इंटू 10 to the power -4 इज इक्वल टू ये कितना आ गया t2 -27। अरे हुआ क्या, इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 17 अपॉन ये क्या ये 2 बचा था ना, तो ये समझो सॉरी 4 था ना, 4 था तो ये ख़त्म, तो ऊपर 2 बच गया ना, यानी कि 100 ऊपर आ गया, 100 ये कितना आ गया 1.7, यानी कि 1.7 तो ये भी एक ख़त्म, एक जीरो और आ गया तो ये भी कैंसिल। अरे हो रहे हैं क्या साहब, इज इक्वल टू कितना t2 -27। अगर हुआ क्या, और देखो ये तो यहाँ से t2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1000 + 27 यानी कि t2 इज इक्वल टू 1027 degrees। अरे कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर आ गया, सॉरी इतना ओम आएगा ना यार टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर लिख रहे हैं ना, ओके हम लोग क्या टेम्परेचर लिखा रहे हैं, इतना क्या डिग्री सेल्सियस, कुछ समझ में आया क्या। चलो इसे नोट करो, नोट करो हम लोग, नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए। नोट कर लिए सभी, चलो देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाटा देखिए। ए नेग्लिजिबल स्मॉल करेंट पासेस थ्रू वायर ऑफ लेंथ कितना, एक वायर है मान लिया जाए बनाया हुआ है, हम लोग भी एक हम मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन में आप गिवन डाटा नहीं जो दिया हुआ है उस पर आप लिखो। ओके देखो एक वायर कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना 15 meters एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका ये वाले ये टोटल लेंथ दिया हुआ है इतना, बात समझे, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है वायर का, वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻²⁷ ये दिया हुआ है क्या, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड, इसका रेजिस्टेंस वायर का दिया हुआ है कितना 5 ओम, कितना दिया हुआ है 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अरे यार ये क्या क्वेश्चन हुआ, बात समझे कुछ, क्या हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बताए थे क्या रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अब इसमें मैं क्या करूं यार सारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर ए अपॉन
एल। चलो आर का वैल्यू बता दो तुम लोग, 5 ओम। एरिया का बता दो, 6 × 10⁻¹⁷। अरे बात समझ में आया कुछ? एल का वैल्यू बता दो कितना, 15। ये कितना, 3। ये कितना, 2 ना, तो 2 × 10⁻¹⁷। क्या लिखेंगे, यूनिट बताए थे क्या, क्या लिखेंगे यूनिट, ओम मीटर। क्या लिखेंगे, सिखाया था हमने ओम मीटर। तो अगर रेजिस्टिविटी के बारे में आप नहीं जानते हैं कि रेजिस्टिविटी कैसे आता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो ओम्स लॉ के वीडियो में हमने वहाँ उससे पहले वाले वीडियो में हमने रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसका डेरिवेशन किया गया है कि रेजिस्टिविटी एक्चुअल में है क्या, आता कहाँ से है मटेरियल का रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या याद है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टॉ। ये फॉर्मूला कैसे आते हैं, ये रेजिस्टिविटी होते हैं मटेरियल के। ये अगर आप नहीं जानते हैं इस बात को, तो पीछे के लेक्चर में, ओम्स लॉ के लेक्चर में, या उसके, हाँ उसके पहले वाले लेक्चर में ही हमने ओम्स लॉ में ही इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, सब कुछ कब वैरी करता है, कब वैरी नहीं करता है, सब कुछ हमने बताया हमने। लेंथ से वैरी करता है क्या, ये लेंथ और एरिया से चेंज होता है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंट, केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, सब हमने सिखाया है। चलो इसे नोट कर लो, तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए इसे। नोट कर लिए क्या, चलो देखो इधर, नोट कर लिए सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 6। 6 तो बना लिया हमने ना, 7 नंबर ना, 7 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, अच्छे से मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार क्वेश्चन समझ गए तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन समझिए एक बार, पढ़ो क्वेश्चन। देखो ये लिखा हुआ है कि ये सिल्वर ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू कितना पे, 27.5 डिग्री सेल्सियस पे हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.1 ओम। बात समझे क्या, इसे T1 मान लिया, इसे क्या मान लिया, R1। अरे बात समझे, R1। और इसके बाद एंड रेजिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट वन कह रहा है एंड एट कितना टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस। एट टेम्परेचर T2 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना R2 है, 2.7 ओम है क्या, 2.7 ओम। तो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा का वैल्यू, अरे अभी थोड़ा देर पहले तो डिस्कस किया रहा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना सब कुछ पता चल रहा है हमें, पहले से थ्योरी पता है ना कि कंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पहले कितना है 27, अब कितना हो गया 100, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी इसका क्या हुआ, इंक्रीज किया, 2.1 से कितना हो गया, 2.7। इसी से पता चल रहा है कि कौन सा कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर वाला। बताए थे कुछ फॉर्मूला, R इज इक्वल टू कंडक्टर के केस में हमने बताया था ना, R1 नहीं रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा, क्या बताया था, T2 माइनस T1।
अरे वैल्यू पुट कर लो बच्चों, देखो ये कितना हो गया R2 अपॉन R1, चलो यहीं पे रख लूँ, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यू उतना रखना ना पड़े, आसानी से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, अरे होगा क्या, इसको इधर लाए फिर इसको माइनस कर लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू, ये क्या आ जाएगा चलो बोलो, इधर लाए थे ना, ये आ जाएगा कितना T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा, रे यही आएगा क्या, कितना आसान क्वेश्चन है यार। अल्फा इज इक्वल टू देखो R2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू रखते हैं वहां से, R2 कितना ये है ना 2.7 माइनस 2.1, ध्यान दो 2.7 माइनस 2.1, R1 R1 कितना 2.1 इंटू T2 माइनस T1 कितना 100 माइनस ये कितना 27.5, चलो अल्फा इज इक्वल टू ये कितना आ गया 0.6 अपॉन ये कितना आ गया 0.1 इंटू, ये आ जाएगा कितना तुम्हारा वैल्यू, यानी कि 100 में से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना 27 कितना 5 है ना, तो देखो एक आ गया हमारा 5, ये 5.9 ये कितना आ गया 0.2 हो गया, ये कितना हो गया 9.7 आया क्या, ये जब इसको हम लोग सॉल्व किए सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0.00039 क्या ओके पर डिग्री सेल्सियस, पर ऐसे लिख लेंगे पर डिग्री सेल्सियस, अरे कुछ समझे क्या, अल्फा का वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस समझे कुछ, ये तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा, तो क्वेश्चन समझ में आया, देखना एक बार ये बोलते हैं ना ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, समझ में आया कुछ, चलो हम लोग कितना क्वेश्चन बना लिए, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 8, चलो नोट करो इसे नोट किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि एक हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, ओके सुनो, एक हीटिंग एलिमेंट, मान लो हीटिंग एलिमेंट दैट मींस क्या, कुछ ना कुछ क्या होगा रेजिस्टर, अब डायग्राम बनाओ पहले, देखो एक हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टर है, इसको हमने नाइक्रोम का बना हुआ है ओके, हमने इसके क्रॉस इसे कनेक्ट किया, एक वोल्टेज सप्लाई के क्रॉस कितना 230 वोल्ट के क्रॉस हमने कनेक्ट किया इसे, बात समझे क्या, कह रहा है ड्रॉ द इनिशियल करेंट, करंट कितना ड्रॉ हुआ है 3.2 एम्पियर विच इज सेटल्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड टू ए स्टडी वैल्यू, के क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, रुको इसे हम लोग डायग्राम से नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन को अलग तरीका से बनाते हैं, ये डायग्राम इस पे नहीं काम करेगा ओके, बिकॉज चेंज कर रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है, सुनो तो क्वेश्चन इसका ये है कि सप्लाई कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट, सप्लाई कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट, कह रहा है कि इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब हमने ओपन जब इसे हमने क्लोज किया, सुनो ध्यान से, ए नाइक्रोम का हो गया, ए सप्लाई वोल्टेज हो गया कितना 230 वोल्ट ओके, एट टी इज इक्वल टू जीरो सर्किट में कितना करंट का फ्लो हुआ, करंट I इज इक्वल टू कितना है 3.2 एम्पियर, पहले इसमें 3.2 एम्पियर का करंट का फ्लो हुआ
ओके कुछ समय के बाद एक करेंट फिर क्या हुआ लिखा विच सेटल्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड एंड ए स्टेडी वैल्यू ऑफ फिर एट स्टेडी स्टेट इस समय कुछ समय बाद करंट कितना फ्लो हुआ 2.8 एम्पियर करंट फ्लो हुआ क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट कह रहा है कि इस समय इसका टेम्परेचर क्या होगा ओके हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम इनिशियल रूम टेम्परेचर पे काम करेगा ना तो ये इस समय टेम्परेचर कितना रूम टेम्परेचर कितना लिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस को लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेस्ट ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व देखो कितना अल्फा का वैल्यू अरे क्वेश्चन पढ़कर कुछ पता चला कैसे बनाएंगे 1.7 इंटू कितना 10^-4 ओके डिग्रीज पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है क्या कैसे बनाओगे भाई साहब इसे आप कैसे बनाओगे भाई साहब चलो देखो तो क्या बताया जा रहा है कुछ देखो तो इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि देखो इसमें अल्फा दिया हुआ है हो क्या रहा है कुछ समय बाद करंट कम हो जा रहा है सर्किट में करंट कब कम होता है ये बताओ जैसे I इज इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल फॉर्मूला VYR करंट कब कम होता है जब रेजिस्टेंस को क्या किया जाए बढ़ाया जाए करंट कब कम होता है जब रेजिस्टेंस को क्या किया जाए बढ़ाया जाए तो आप समझो कि अगर रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस को हम लोग ऑब्वियसली अगर करंट घटा है इसका मीनिंग ये हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हुआ था बढ़ा हुआ था तभी तो और रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है सर इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व है इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व है मतलब पक्का सर इसका भी टेम्परेचर क्या होगा बढ़ा होगा पता है ना हम लोग बताए थे क्या जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है बढ़ता है तो पहले ये कैसे क्वेश्चन है सुनो जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ टी इज इक्वल टू जीरो पे अब मान लो करंट का जब फ्लो होगा तो बताया था ना कंडक्टर क्या हो जाता है हीट ओके ये हमारा हीट हो गया जब ये हीट हो गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा अरे कुछ पता चला कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है बार बार तुम्हें रटा रहे हैं कि टेम्परेचर कंडक्टर के लिए सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होता है बढ़ता है क्यों बढ़ता है रिलैक्सेशन टाइम के बढ़ने से टाउ पता है ना रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन बताया था सब क्या सब आपको रिवीजन करके सब याद रखना है अच्छे से चलो अब पता चला कैसे बनाएंगे चलो देखो तो पहले हम लोग इसको मान लिया T1 इसको मान लिया I1 ये T1 यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे इस वैल्यू पे R1 देखो बहुत आसान क्वेश्चन से मिटा देते हैं यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे R1 इज इक्वल टू चलो R इज इक्वल टू क्या V बाई I1 V कितना है चलो बोलो यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं V कितना है 230 I कितना है 3.2 तो कितना वैल्यू आएगा इसका ओके नाउ नेक्स्ट वन चलो और देखते हैं वैल्यू ला देंगे हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है इस केस में R2 इज इक्वल टू कितना V बाई कौन सा I2 V कितना 230 ये कितना 2.8 अरे कुछ पता चल रहा है तुम्हें
R1 मिल गया, R2, ये T1 मिल गया और ये T2 बना लेंगे क्या? R2 is equal to, अब हम ज्यादा कुछ इस पे नहीं डील करने वाले हैं, क्वेश्चन समझ गए हम लोग। R2 is equal to, एक ही फॉर्मूला बार बार कितना लिखवाओगे तुम लोग? 1। ओके चलो देखो, तो लिख सकते हैं क्या ये R2 upon R1 is equal to 1 plus alpha T2 minus T1। चलो वैल्यू रख लो, देखो रखेंगे वैल्यू, ध्यान से देखो, R2 upon R1, ये R2 है ना रेशियो, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा कैंसल, ये शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, 2.8 upon 3.2 is equal to 1 plus alpha T2। ये तो सर फाइंड आउट करना है हमको, T1 कितना? 27। ये कैंसल हो रहा है क्या? यस सर कैंसल। कितना से होगा? एक हो जाएगा कितना? चलो देखो कैंसल हो रहा है, एक चार, यस फोर से कैंसिल कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना हो जाएगा? सॉरी ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा? 8। फोर से कैंसिल कराए तो आएगा क्या? फिर इसको माइनस को इधर लाया हमने तो अल्फा इंटू, अरे अल्फा का भी वैल्यू हमें पता है ना भाई साहब, चलो अभी नहीं रखते हैं, अल्फा टी टू माइनस 27। अरे हुआ गया, अब आप समझो इस माइनस करेंगे, अरे वैल्यू तो माइनस में आ गया भाई साहब, ये क्या हुआ? उल्टन पलटन कुछ हो गया क्या इसमें? देखो इधर R2 रेजिस्टेंस बढ़ा है, हमने R2 वैल्यू रखा, ओके यहीं तो गलत R2 रखेंगे तो गलत आएंगे ना, यहीं पे तो हमने डाटा गलत पुट कर दिया। देखो ये इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से पुट करेंगे तब होगा, हम लोग ऐसे सोच के पुट करते हैं। देखो R2 रखेंगे तो ये नीचे आएगा ना वैल्यू, R2 तो R1 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3.2 आएगा और ये कितना आएगा? 2.7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस, कितना वैल्यू रखा, रख लेते हैं T2 माइनस T1 कितना है? 27। गुड, अब कितना आ जाएगा? 8/7 माइनस 1 अल्फा T2 माइनस 27। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये क्या आ गया? 1/7। तो तुम्हारा वैल्यू आया T2 माइनस 27 1/, आएगा ना भाई साहब यहाँ 8 - 7 1/7 1/7 into alpha। देखो हुआ क्या, अल्फा का वैल्यू पता है ना, तो T2 इज इक्वल टू 27 प्लस 1/7 इंटू, अब अल्फा पे अटैक करते हैं हम लोग, अल्फा देखो यहाँ पे है ये कितना 1.7 × 10⁻⁴, शिफ्ट होके कहाँ चला गया? ऊपर, तो T2 इज इक्वल टू 27 प्लस 1/7 × 1.7 × 10⁻⁴। अरे हुआ क्या, चलो तो इसका कैलकुलेशन करो, इसका तुम लोग कैलकुलेशन करो कितना आएगा, ये ऊपर 4 आ जाएगा ना, ये फिर 1.7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, जोड़ देंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करो इसका, कैलकुलेशन कितना आएगा देखो, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 867.5°C। समझे कुछ? तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन बन जाएगा सब आसानी से। ओके चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, चलो नोट करो इसे, नोट कर लिए सभी? ओके